एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, कई दिनों से मैंने ओवरव्यू नहीं डाला था, तो मैंने सोचा आज ओवरव्यू ही डाल देते हैं। और कुछ एक प्लांट्स के बारे में भी आपको बताना था, और कुछ मैंने काम किए हैं कल गार्डन में, तो उसको भी अपडेट करना था आपसे। तो इसलिए मैंने सोचा आज ओवरव्यू की वीडियो ही डाल देते हैं। तो उसके लिए चलते हैं गार्डन में। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और मुझे यूट्यूब से जो सर्च कर रहे हैं उनसे काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी आशीर्वाद मिला है। मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, ओल्ड फ्रेंड्स हैं, सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो ये मैंने एंट्री के एक तरफ रख रखा है फिडल लीफ और मॉन्स्टेरा का प्लांट। काफ़ी ग्रीनरी ऐड करते हैं और दोनों ही शेड लविंग प्लांट हैं। अच्छा लगता है एंट्री पे, थोड़ा यूनिक से प्लांट होते हैं तो। और दूसरी तरफ कोलियस रखे हुए हैं, और ये रखा हुआ है बोस्टन फर्न। फिर आ जाता है वर्टिकल गार्डन। वर्टिकल गार्डन में आजकल इतने प्लांट नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हैं वो फल फूल रहे हैं। मनी प्लांट, सेंसेवेरिया, नीचे रियो प्लांट, और ये तो बहुत ही लंबा चला जाता है नीचे तक, बहुत फैलती है ये वाली वाइन तो। और ये कटिंग है कोलियस की, और अजवाइन की कटिंग है, और मनी प्लांट रखा हुआ है ये इसमें, और अजवाइन है। और ये कल मैंने कटिंग की थी प्लांट्स की, तो मेरे को नहीं लगता कि चलेगा। नीचे जो था आपका कड़ी पत्ते की कटिंग लगाई थी, देखते हैं। और ये फाइलोडेंड्रोन में काफ़ी बेबी प्लांट निकले हुए हैं, ये भी मेरा पेंडिंग काम है बहुत टाइम से। 3-4 बेबी प्लांट हैं, ये भी मेरे को एक्चुअली ये सारा पोट खाली करके फिर करना पड़ेगा, तो थोड़े से माइंड सेट करना पड़ेगा इसको करने के लिए। और ये जो पाइप निकल जाते हैं ये भी ठीक करना है। और ये देखिए, मेरे को इसके बारे में बताना था, सेंसेवेरिया की बड़ी वाली वेराइटी। मेरे पास ड्वार्फ वेराइटी है छोटी, ये मैं यहाँ किसी एक फ्लैट का रिनोवेशन करवा रहे हैं। खुद तो चले जाते हैं लोग सामान उठा के, लेकिन अपने प्लांट्स को कचरे में डाल जाते हैं। तो ये मैं वहाँ से कचरे में से, लिटरली कचरे में से उठा के लाई थी पोट को। लोगों ने देखा भी, बट आई डोंट केयर, देखते रहे, बात करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे भी बोले मम्मी गार्ड देख रहा है, ये देख रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं। और इतना बढ़िया प्लांट चल रहा है ये जो उठा के लाई थी मैं, बहुत अच्छा। और ये देखिए, ये गिलोय की बेल ऊपर तक चली गई है, अब ऊपर बस और चढ़ानी है मेरे को। और ये हार श्रृंगार का, पिछले साल का लगा हुआ है, जो मेरे व्यूअर्स हैं पुराने उन्होंने देखा होगा, सीधा सीधा था एक स्टेम, लेकिन अब बुशी बन गया है पिंचिंग कर करके। और ये एडेनियम का प्लांट है, जो मैंने जगह चेंज करके अब यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जहाँ पहले रखा हुआ था वहाँ पे सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल रही थी, तो उसमें ब्लूमिंग ही नहीं हुई, एक दो फूल आए और बस छुट्टी उसके बाद। और ये मेरा स्टारलाइट फाइकस था, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कितना अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसके पत्ते पीले हो के अपने आप ही गिरने लग गए, और बिल्कुल डेड हो गया अब ये प्लांट। इसको रूट से निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बड़ा दुख होता है जब कोई प्लांट ऐसे ख़त्म हो जाता है, अच्छा 2-4 महीने के अंदर अंदर ही सारा कुछ सही से मिलता है, उसके बाद भी पता नहीं क्या दिक्कत है। और कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी केयर मत करो, इतने अच्छे फलते फूलते हैं। और ये मेरा शमी का प्लांट है, और ये देखिए पतली पतली, क्योंकि इसकी जो मेन स्टेम थी ना वो पता नहीं कैसे सूख गई और उसमें से ये ग्रोथ हुई है। तो इसकी भी मैं आज कटिंग करूँगी, थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, और ये नारंगी लगनी शुरू हो गई है दोबारा से। अब ये थोड़े दिन में थोड़ी बड़ी हो जाएंगी नींबू जितनी, और फिर कलर चेंज हो जाएगा इनका ऑरेंज कलर का, तो और बहुत अच्छी लगेंगी बाहर से ही देखने में।
और ये सब फायरवर्क्स, मोगरा, छोटी चांदनी, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर। और हिबिस्कस देसी वाला, ये रात की रानी का प्लांट है, इसमें एक बार ब्लूमिंग हो चुकी है। और ये छोटी चांदनी है, ये हमेशा ब्लूमिंग देता रहता है, ये मुझे हमेशा इसके ऊपर फूल आए रहते हैं, दो चार, बहुत अच्छा लगता है। पूरे गार्डन में इसी के ऊपर ही फूल होते हैं और कहीं फूल नहीं होते। और ये सब जो प्लांट हैं मोस्टिक वाले, इन पे भी मेरे को एक वीडियो बनानी है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना होने के बाद है ना, मोस्टिक नीचे हो जाती है और जो पाइप होती है ना उसकी, वो दिखने लग जाती है और जो देखने में बहुत गंदी लगती है। इसको भी मैं अपडेट करूँगी आपसे, इसका कुछ करना है मैंने, मैं पहले डिस्क्लोज नहीं करती। और ये कड़ी पत्ता है सामने, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना हो गया था और इधर झुक गया था वो, और प्लांट के ऊपर छाया करने लग गया था, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट पे। तो ये सामने कटिंग का निकला हुआ सामान है, इसको कूड़ा कचरा नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत कीमती सामान है ये, क्योंकि इसको अगर रख सके तो रख भी सकते हैं, बट मेरे पास स्पेस नहीं है। इसे आप खाद भी बना सकते हैं और जब कोई नया प्लांट लगाएं तो उसके बेस में भी रख सकते हैं उसको। और ये देखिए, ये हैज है, ये मैंने कटिंग की थी कल, बिल्कुल नीचे से कटिंग की है, हार्ड प्रूनिंग की है, और अभी आ जाएंगे इस पे महीने 20 दिन में पत्ते आ जाएंगे। इससे क्या था कि ये बहुत बड़ी हो गई थी, मॉनसून के कारण अनइवन ग्रोथ हो गई थी इसकी, तो जो अंदर वाले प्लांट हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल छाया हो जाती थी, जैसे नारंगी है, फ्लावरिंग प्लांट है इस लाइन में, तो उनकी बिल्कुल ही बंद हो गई थी फ्लावरिंग आनी। अब तो अंदर के पॉट भी दिखाई देते हैं, एक्चुअली मैंने क्या है, तीन लेयर रखे हुए हैं, बाहर ये बड़े वाले पॉट है जो, और फिर एक लेयर अंदर, एक नहीं ये दो लेयर अंदर हैं बल्कि, क्योंकि वो हैं स्टैंड हैं। और ये देखिए, ये कड़ी पत्ते के बीज गिर गिर के ना बहुत सारे प्लांट उगे हुए हैं इस क्यारी में। और ये देखिए, ये किए ना पोट रखा हुआ था मिट्टी का, उसी में बीज गिर के उसी में उग गया कड़ी पत्ता, दो उगे हुए हैं। अच्छा ना, इसमें चलते रहेंगे, मुझे लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसी में ग्रोथ होते रहेंगे। इसको मैं उठा के थोड़ा बाहर रख दूँगी। और क्यारी में तो दुनिया भर के उगे हुए हैं कड़ी पत्ता, ये छोटे छोटे प्लांट आपको दिख रहे हैं, ये सारे कड़ी पत्ते हैं बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे। ये देखो, इनको थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, इनको मैं बेचने निकाल दूंगी अलग अलग, क्योंकि रूट्स उसमें तो अच्छे से लग ही जाते हैं, कटिंग लगनी मुश्किल होती है थोड़ी, लेकिन रूट वाले लग जाते हैं फिर भी। और ये है माली जो सोसाइटी में प्लांट बेचने आता है सामने वालों के। और अभी कुछ प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग तो मेरी बची हुई है, वीडियो बनाने के बाद उसको भी करना है। और ये देखिए, डिफन बेकिया की ब्लूमिंग, ये देखो दो फूल आए हुए हैं, बहुत मैच्योर प्लांट हो जाते हैं ना उनमें आते हैं ब्लूमिंग, दो तीन हैं, हाँ तीन आए हुए हैं। वो ये ना ऐसे टेढ़ा होके गिरा हुआ है, गिरने के कारण इसकी जो रूट्स हैं ना वो देखो, ये ज़मीन से निकली हुई है, मिट्टी से ये ऐसे टेढ़ा होके गिरा हुआ है, बस इसी से ही इसको फूड और वाटर मिल रहा है, दैट्स ऑल बस। और लगाने को तो मैं इसको अलग पॉट में लगा सकती हूँ निकाल के, बट फिर वो ये ना बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, ये मेरे पास कोई 8-10 हैं डिफनबेकिया, तो यही मैं सोच रही हूँ कि निकाल दूँ इनको, जो एक ही तरह के कई प्लांट इकट्ठे हो रहे हैं उनको मैं निकाल देती हूँ, विद पोट निकाल देती हूँ, मतलब सेल कर देती हूँ। इसलिए कोई भी जो रोहनी में, दिल्ली में आसपास रहता है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे, और प्लांट विद पोट ले सकता है, चाहे छोटा पोट है चाहे बड़ा पोट है, मैं विद पोट ही निकालूँगी। और मेरी जो आईडी है प्लांट फ्रीक नाम से है इंस्टाग्राम पर, मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई लेने का इच्छुक है तो, क्योंकि रोहनी या दिल्ली के आसपास वाले लोग आकर, दिल्ली में आसपास वाले लोग आकर ले सकते हैं, उठा सकते हैं। कोरियर वॉरियर से बेचने वेचने का खर्चा
अपने बस का नहीं है। और दो चार प्लांट तो लोग अपनी गाड़ी में भी उठाकर ले जा सकते हैं, इसीलिए अगर कोई इच्छुक है लेने का तो मुझसे ले सकते हैं। और सब मेरी चैनल पे देखते ही हैं कितनी केयर होती है प्लांट्स की, तो वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये बोगनविलिया है इस कलर के, बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग भी नहीं होती है मेरे इन फूलों में, बस हाँ होती रहती है थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। और ये देखिए, ये जो इस पॉट में लगा हुआ है जट्रोफा का प्लांट, मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, उसकी उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ को कंपेयर करके देखना, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है ऊपर वाले जट्रोफा की और इसकी ग्रोथ देखिए। इसको टाइम टू टाइम खाद पानी सब मिलता है, लेकिन खाली एक सनलाइट एक ऐसा फैक्टर है जो अगर आपको कम मिलता है तो बड़ा मुश्किल होता है ग्रोथ करना। तो आपको अच्छा लगा होगा ओवरव्यू, इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, नए अपडेट में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।